औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। महाराष्ट्र राज्य के केंद्र में स्थित ये शहर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शहर अपने प्राचीन स्मारकों, प्राचीन मंदिर, गुफाओं और किलों के अलावा शांत झीलों तथा खूबसूरती से भरे बगीचों और समृद्ध जैव विविधता के लिए काफी मशहूर है। साथ ही ये शहर विश्व प्रसिद्ध जनता एलोरा की गुफाओं सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इसी कारण शहर को 2010 में महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो यह शहर लगभग 10,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या 37 लाख के लगभग है और इस शहर में प्रचलित भाषाएं मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी हैं। फ्रेंड, औरंगाबाद को अब एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह शहर कलात्मक रेशमी वस्त्रों, विशेषकर शॉल के लिए काफी प्रसिद्ध है तथा यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय भी है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय यहाँ का विख्यात शिक्षा केंद्र है। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रसिद्ध औरंगाबाद अपनी मध्यकालीन स्मारकों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा ये शहर कई शानदार मुगल वास्तुकलाओं से भी संपन्न है, जैसे बीबी का मकबरा, जमा मस्जिद, दौलताबाद किला और बावन द्वार है, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, खास बात यह है कि यह शहर चारों और पहाड़ों से घिरी हुई है, जिस कारण शहर के आसपास का नजारा बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। फ्रेंड, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ताजमहल ही प्रेम का अंतिम प्रतीक है, तो आपको बीबी का मकबरा जरूर देखना चाहिए, जो औरंगाबाद का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। बीबी का मकबरा आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की हूबहू प्रतिकृति है। ये मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाई गई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है और औरंगाबाद से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। इन गुफाओं की खोज का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ को जाता है, जिन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी। अजंता की गुफाएं प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट प्रतीक है और इसे भारतीय कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में माना जाता है। फ्रेंड, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये गुफाएं शिल्प और स्थापत्य कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह गुफाएं मुख्य रूप से तीन अलग अलग धर्मों अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई यह गुफाएं अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और विशाल गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आज ये ऐतिहासिक गुफाएं महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। फ्रेंड, इसके अलावा औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित कृष्णेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों पर शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, जिनमें सबसे अंतिम और 12वां कृष्णेश्वर मंदिर को माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित दौलताबाद किला महाराष्ट्र का एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला है, जो औरंगाबाद से लगभग 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद या देवगिरी नामक शहर में स्थित है। आज ये किला अपनी शानदार इतिहास को समेटे हुए भव्य रूप से खड़ा है और इसे महाराष्ट्र के सात अजूबों में से एक माना जाता है। किले के अंदर चांद मीनार और चीनी महल सहित कई अलग अलग संरचनाओं को देखा जा सकता है। अपनी प्राचीन इतिहास और आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ दौलताबाद का किला औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे आदर्श जगहों में से माना जाता है। फ्रेंड, औरंगाबाद वर्ल्ड टूरिस्ट के नक्शे पर कई दशकों से है। सदियों से विदेशी सैलानियों का औरंगाबाद पसंदीदा का पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ का हवाई अड्डा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश और विदेश से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है, जो देश के प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह शहर महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई से लगभग 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1273 किलोमीटर दूर स्थित है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।